फ्रेंड्स, हमारी प्रीशियस चीज़ों को सेव करने के लिए हम लॉकर सिस्टम यूज़ करते हैं, जिसको हम सेफ गार्ड भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, जनरली ये जो लॉकर सिस्टम है, चाबी से एक्सेस होता है। जिसके पास में चाबी रहेगा वो डेफिनेटली उसको एक्सेस कर पाएगा। और यहाँ पे हमें नोटिफिकेशन या लॉकर एक्सेस हुआ है इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। तो ये जो प्रॉब्लम है, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम ये वीडियो में देखने वाले हैं फिंगरप्रिंट बेस्ड लॉकर एंड IoT अलर्ट सिस्टम। ये पर्टिकुलर सिस्टम क्या करेगा, यूज़र को एक्सेस देगा लॉकर सिस्टम का यूजिंग हिज फिंगरप्रिंट। अब जनरली जिसका वो लॉकर है, वो नंबर ऑफ लोगों को परमिटेड कर सकता है वो लॉकर सिस्टम को एक्सेस करने के लिए। तो जिन लोगों को, पर्टिकुलर पर्सन को एक्सेस देना है, उन लोगों का फिंगरप्रिंट हमारे जो फिंगरप्रिंट है उसमें रजिस्टर करना पड़ेगा। तो जितने भी लोगों का फिंगरप्रिंट वो सिस्टम में रजिस्टर रहेगा, वो सारे लोग लॉकर सिस्टम को एक्सेस कर पाएंगे। और फ्रेंड, जितनी बार ये लॉकर सिस्टम एक्सेस होगा, हमें हमारे मोबाइल पे नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। मतलब कोई अगर एक्सेस करे तो हमें पता चलेगा, हाँ भाई, हमारा लॉकर सिस्टम एक्सेस हुआ है। अगर अनऑथराइज्ड एंट्री होती है, मतलब बिना फिंगरप्रिंट दिए अगर लॉकर सिस्टम को खोला जाता है, तो ये सिस्टम में एक सेंसर रहेगा, वो सेंसर आइडेंटिफाई करेगा बिना फिंगरप्रिंट दिए सिस्टम को खोला है, तो एक अलर्ट जनरेट करेगा जो हमें नोटिफिकेशन के फॉर्म में मिलेगा कि भाई किसी ने तो भी अनऑथराइज्ड आपका जो सेफ गार्ड है या फिर लॉकर है उसको यूज़ किया है। एंड वहाँ पे एक बजर भी बजेगा। जैसे ही बजर बजेगा, आजू बाजू वाले लोगों को भी पता चलेगा कि अनऑथराइज्ड पर्सन इसको एक्सेस कर रहा है, और आपके जो सेफ गार्ड है, आपके जो मौल्यवान चीज़ें हैं, प्रीशियस थिंग्स है, वो बच जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये सिस्टम काम कैसे करेगा उसको हम देखते हैं ब्लॉक स्कीमेटिक के थ्रू। तो यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं फिंगरप्रिंट सेंसर। मार्केट में R305, R307 इस प्रकार के फिंगरप्रिंट सेंसर आते हैं, इसमें से कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसको हम कनेक्ट करने वाले हैं NodeMCU 8266 के साथ में। इसके जगह पे दूसरा कंट्रोलर यूज़ कर पाएंगे, ESP32 यूज़ कर पाएंगे, लेकिन NodeMCU की पिंस जितनी रिक्वायर्ड है उतनी हमारे प्रोजेक्ट में सफिशियंट है, तो दैट्स वाई वी आर गोइंग फॉर 8266। अब यहाँ पे फिंगरप्रिंट के साथ में कनेक्ट रहेगा बजर, सेंसर और लॉकर सिस्टम के लिए यहाँ पे रहेगा सोलेनॉइड वॉल, या फिर सोलेनॉइड लॉकर भी हम इसको बोल सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो पर्टिकुलर सोलेनॉइड वॉल होता है या फिर लॉकर होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। हम इलेक्ट्रिक करंट देके इसका प्लंजर को सामने या पीछे कर सकते हैं, मतलब लॉकिंग सिस्टम यहाँ पे हम अचीव कर सकते हैं। अब इसको करंट ज़्यादा लगने वाला है, तो इसके लिए हम रिले यूज़ करने वाले हैं, और रिले के लिए यहाँ पर हमें लगेगा रिले ड्राइवर के थ्रू हम ये रिले को कनेक्ट करने वाले हैं 8266 के साथ में, और रिले के थ्रू हमारा सोलेनॉइड वॉल या सोलेनॉइड जो लॉक है वो एक्सेस होगा। फ्रेंड्स, जैसे ही ऑथराइज्ड पर्सन फिंगरप्रिंट देगा, ये सारे फिंगरप्रिंट्स हमारे पहले से सेव रहेंगे। अगर दिया हुआ फिंगरप्रिंट मैच होता है तो 8266 क्या करेगा, तो लॉकिंग सिस्टम को एनेबल कर देगा, रिले को एक्चुएटिंग सिग्नल देगा, सोलेनॉइड वॉल एक्सेस हो जाएगा। और जैसे ही सोलेनॉइड वॉल एक्सेस हो जाएगा, हमारा लॉकर सिस्टम ओपन हो जाएगा, और हमारा NodeMCU क्लाउड पे डेटा सेंड करेगा नोटिफिकेशन के लिए, और ये क्लाउड के थ्रू हमें हमारे मोबाइल पे नोटिफिकेशन मिलेगा कि हमारा जो पर्टिकुलर लॉकर सिस्टम है वो एक्सेस हो चुका है। फ्रेंड्स, अगर कोई अनऑथराइज्ड पर्सन बिना फिंगरप्रिंट दे अगर हमारा सिस्टम एक्सेस होता है, तो ये सेंसर एक्चुएट हो जाएगा। जैसे ये सेंसर एक्चुएट होगा बिना फिंगरप्रिंट दिए, एक नोटिफिकेशन जनरेट करेगा क्लाउड के लिए कि अनऑथराइज्ड पर्सन ने हमारे लॉकर सिस्टम को एक्सेस किया है, और एज इट इज़ एक्सेस्ड बाय अनऑथराइज्ड पर्सन, हमारा जो बजर है उसको भी एक सिग्नल हमारा NodeMCU जनरेट करेगा, बजर बजना चालू हो जाएगा। तो आजू बाजू में जितने भी लोग हैं उन लोगों को पता चल जाएगा कोई तो भी अनऑथराइज्ड पर्सन लॉकर सिस्टम को एक्सेस कर रहा है। तो डेफिनेटली अगर आवाज़ होता है तो वो डर जाएगा, और हमारे जो प्रीशियस थिंग्स है, मौल्यवान चीज़ है, वो बच जाएगी। तो बढ़िया सा ये जो पर्टिकुलर लॉकर सिस्टम है, इसको हम बैंक में यूज़ कर सकते हैं, ऑफिसेस में यूज़ कर सकते हैं, घर पर भी यूज़ कर सकते हैं, और कई सारे एप्लीकेशंस में
आप जो सोच सकते हो उसके हिसाब से डेफिनेटली इसको हम यूज़ कर पाएंगे।